हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल सोनम्स लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज मैं आपको लैक्मी 9 to 5 सीसी कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम का रिव्यू देने वाली हूं। तो दोस्तों, ये है लैक्मी 9 to 5 सीसी क्रीम। इसकी पैकेजिंग की बात करूं तो इसकी पैकेजिंग जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में है और ये लाइट गोल्डन कलर की प्लास्टिक ट्यूब स्ट्रक्चर है। इसका जो कैप है वो इस तरह से खुलता है और लीक होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ये जो पैक है ये मिनी पैक है, ये 99 रुपीज़ का है और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 2 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है और इसकी जो नेट कंटेंट है वो 9 ग्राम है। तो ये छोटा वाला है, मैं भी डर रही थी स्टार्टिंग में कि मैं कौन सा यूज़ करूँ, इसलिए अगर आप बिगनर हैं, पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आप छोटा वाला पैक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सीसी क्रीम के बारे में आपको बता दूं तो सीसी यानी कि इसे आप कलर करेक्शन या कॉम्प्लेक्शन केयर भी बोल सकते हैं। और अगर आप बिगनर्स हैं, अभी अभी आपने मेकअप करना सीखा है या फिर आप सीखना चाहते हैं, आपको मेकअप की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप लैक्मी 9 to 5 सीसी क्रीम का मिनी पैक खरीद सकते हैं। अगर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्क पैचेस, डार्क सर्कल्स या फिर आपको स्कार्स की प्रॉब्लम है, आपके स्किन पे दाग धब्बे के प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा क्रीम ढूंढ रही हैं जो कि आपके इन सभी दाग धब्बों को छुपा दे थोड़ी देर के लिए, तो आपके लिए ये जो सीसी क्रीम है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सीसी क्रीम का टेक्सचर बहुत ही अच्छा होता है, बीबी क्रीम के कंपेयर में बहुत ही लाइट होता है। लैक्मी सीसी क्रीम आपके स्किन पे सॉफ्ट मैट इफेक्ट देता है और आपके अनइवन स्किन टोन को इवन लुक देता है। तो आप इस गलत फहमी में ना रहे कि कोई भी क्रीम लगाकर आप गोरे हो सकते हैं। तो आपके जो स्किन पे ये अनइवन टोन है, जैसे कि कहीं दाग धब्बे हैं, कहीं पे स्किन की लाइट टोन है या फिर कहीं डार्क टोन है, तो ये सभी स्किन को एक बराबर रंगत देता है और इवन स्किन टोन देता है और ये बहुत ही आसानी से आपके स्किन पे ब्लेंड हो जाता है और बहुत ही जल्दी इजली एब्जॉर्ब हो जाता है। आप चाहे तो इसे किसी भी मेकअप स्टोर से या फिर आपके घर के नज़दीक में जो भी लोकल मार्केट है वहां पे ये इजीली अवेलेबल रहता है। आप चाहे तो इस प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। तो दोस्तों, इसका जो शेड है वो 4 शेड में आता है, एक बीज होता है और दूसरा हनी होता है, ब्रॉन्ज होता है एंड आलमंड होता है। तो जो बीज शेड होता है वो फेयर स्किन टोन वाले लोग के लिए होता है, ब्रॉन्ज मीडियम वाले लोग के लिए होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो शेड है वो ब्रॉन्ज है, तो ब्रॉन्ज जो है वो मीडियम स्किन टोन वालों लोग के लिए होता है एंड हनी और आलमंड जो होता है वो डार्क स्किन टोन लिए होता है। तो ये 4 शेड में अवेलेबल है मार्केट में। सीसी क्रीम इज ऑल इन वन क्रीम जो कि आपके स्किन को नेचुरल ग्लो देता है। और अगर आप किसी भी पार्टी में जाना चाहते हैं, शाम को शॉपिंग जा रहे हैं, आप दोस्तों के साथ पार्टी पे जा रहे हैं, तो ऐसे छोटे मोटे ओकेजन्स पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मेकअप लुक देता है। आपको ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, राइट मेकअप फिनिश देता है, किसी भी ओकेजन पे इंस्टेंट मेकअप फिनिश देता है। ये आपके स्किन के डार्क स्पॉट ब्लेमिशेस को कंसील करता है। साथ ही इसमें SPF 30 है जो कि आपके स्किन को सन की जो यूवी रेज होती है, हार्श रेज होती है, उससे भी आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो एज अ सनस्क्रीन भी ये आपके स्किन के ऊपर काम करता है। ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, नरिश करता है एंड बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग ग्लो देता है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो इस तरह का दिखता है, ये क्रीम लगभग ख़त्म होने को है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं इसे अपने स्किन पे ब्लेंड करके दिखाऊंगी। और डिफरेंस तो आप देख ही सकते हैं, नेचुरल ग्लो आता है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक अच्छा सा डिफरेंस आपको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है और इवन टोन लगती है आपकी स्किन और बहुत ही इंस्टेंट मेकअप फिनिश देता है, आपको रिफ्रेशिंग लुक देता है, साथ ही आपके स्किन को नरिश एंड मॉइस्चराइज भी करता है और आपके स्किन पे लंबे समय तक यह टिका भी रखता है। जैसे कि इसका नाम ही है 9 to 5, तो आप 9 बजे लगाइए और 5 बजे तक घर आइए,
तो आपके स्किन पे ये लंबे समय तक रहेगा, वो वाटरप्रूफ होता है, ये मेकअप जल्दी निकलता नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि आपने कुछ लगाया है हाथ पे, इतनी जल्दी ब्लेंड हो गया और एब्जॉर्ब हो गया ये आपके स्किन में। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी कि आप ये 9 to 5 सीसी क्रीम जरूर रखें, अगर आप नया नया मेकअप सीख रहे हैं तो ये आपके पास होना ही चाहिए। तो दोस्तों हो सकता है कि ये बहुत से स्किन टाइप को सूट ना करे, तो आप इसे अपने स्किन पे अप्लाई करने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर करें। आप अपने कान के पीछे वाले स्किन पे इसे लगाकर 10 मिनट रखें, अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं होता है तभी आप इसे अपने स्किन पे अप्लाई करें, क्योंकि दोस्तों हमारे जो फेस का स्किन होता है वो काफ़ी डेलिकेट होता है, तो हमें कोई भी चीज़ डायरेक्टली अपने स्किन पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपको पैच टेस्ट करने के बाद ही अपने स्किन पे अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा लैक्मे 9 to 5 सीसी क्रीम का रिव्यू। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, यूजफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।